नमस्ते। रागिणी के माध्यम से आपसे और श्रोताओं के साथ बातचीत करते हुए बहुत आनंद मिल रहा है। जी बिल्कुल, एक लंबा सफ़र तो है ही, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मैं एक संगीतमय घराने में मेरा जन्म हुआ, वही मैं पली बड़ी हूँ। मेरी दादी कुसुम शेंडे किराना घराने की ज्येष्ठ गायिका रह चुकी हैं और उन्होंने भी शोभा गुरटू जी से उपशास्त्रीय संगीत की तालीम ली है। और संगीत नाटक जो एक दौर था उस ज़माने में महाराष्ट्र में, तो बहुत ही प्रसिद्ध था वो दौर। तो उस दौर की बहुत एक मशहूर अभिनेत्री गायिका रह चुकी है मेरी दादी, और हीराबाई बड़ोदेकर सरस्वती बाई जी से किराना घराने की तालीम ले चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि वही सिलसिला उन्होंने मेरे साथ भी कायम रखा, मुझे सिखा के, गाना सिखा के। और मेरी जो भी उनसे मैं ले सकती थी, तो उनके उस हिसाब से मैं लेती रही। जितनी मेरी आकलन शक्ति है उससे मैं लेती गई दादी से। और जो सीखने का वैसे सिलसिला है, तो वो तो आखिरी सांस तक मेरी चालू रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि साधक की जो अवस्था है ना, वो हमेशा बरकरार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने शिक्षा ले ली, वो तो शिक्षा जो पाई है उस पे काम चालू है। और उसी सिलसिले में मैं अपने शिष्यों को सिखा रही हूँ अभी तक, और ऐसे ही चालू रहेगा ये सिलसिला। तो सीखना सिखाना ये तो चालू रहेगा। और एक बात जो बहुत अच्छी है, खुशनसीब समझती हूँ मैं खुद को, कि मेरे पिताजी डॉक्टर संजीव शेंडे ये उपशास्त्रीय संगीत सिखाते हैं सबको, और घर में ही मुझे उसका जो है वो अच्छा ट्रेडिशन मुझे मिला। वो भी शोभा गुरटू जी के शिष्य रहे हैं। तो उसी कारण शास्त्रीय संगीत उपशास्त्रीय संगीत दोनों का मिलाप मेरी शिक्षा में रहा है शुरू से, बचपन से। बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को, क्योंकि सबको ये भाग्य प्राप्त नहीं होता कि दो दो गुरु आपके घर पे ही है। जब मैं गुनगुनाती भी हूँ ना, और कहीं मेरा चूक जाता है, कहीं गलत हो जाती हूँ, तो बिल्कुल कहीं से भी आवाज़ आती है, सामने ये क्या कर रही हो तुम बेटा, गुनगुनाना भी है तो सही तरीके से गाओ। और इसलिए मुझे लगता है कि जो ठुमरी दादरा और शास्त्रीय संगीत में जो फ़र्क होना चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए आपके गाने में, तो वो मैंने सीखा मेरे पिताजी से डॉक्टर संजीव शेंडे और मेरी दादी कुसुम शेंडे जी से। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप ख्याल संगीत गाते गाते आप इतना उसको लाइटर कर जाते हो कि वो ठुमरी लगने लगती है, या फिर आप ठुमरी गाते वक्त उसकी जो नज़ाकत है वो बीच में भूल जाते और वो ख्याल ही बन जाता है। तो वो जो एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, तो वो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से तालीम मैंने ली है मेरे पिताजी से। इसलिए ठुमरी में क्या नहीं करना है या फिर क्या करना है, ये मुझे अच्छी तरह से बताया गया है। और वैसे ही शास्त्रीय संगीत की बात है, उसमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करनी है जिसके कारण आप बहते बहते उपशास्त्रीय संगीत तक ना पहुँच जाए। इसलिए वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स तो है नहीं, आपको ही दिमाग लगा के एक बैलेंस रख के सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा गान प्रकार मैं गा रही हूँ, उस हिसाब से उसको न्याय देना चाहिए। तो ये बातें मुझे घर में ही पता चली, इसलिए भटकी नहीं मैं कहीं। एक मेरा भजन है, बहुत ही सुंदर है लिखा हुआ, तो उससे प्रेरित होके मुझे उसकी एक ट्यून मैंने बनाई है। तो ये मेरा भजन, इसकी स्वर रचना मेरी है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की,
कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। जी मैं 10 साल की थी तब, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम कह सकते हैं मेरा हुआ पुणे में, और मेरी दादी की 60th बर्थडे थी, और यहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि 60th बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो एक गिफ्ट फ्रॉम होम इसलिए मुझे बिठाया गया गाने को। और सच बताओ एक कोई प्रेशर नहीं था मन में, अभी जब मैं सोचती हूँ पीछे जाकर तो मुझे लगता है प्रेशर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो भी कुछ आता है सामने तो दादी बैठी थी, पिताजी बैठे थे, घर के लोग हैं, और उनके सामने मुझे जो भी कुछ आता है वो गाना है, बस यही दिमाग में था, और ऐसे दिमाग में विचार लेके मैंने भाग्यश्री गाया। और फिर उसके आगे जब मैं उतरी स्टेज से तो मुझे उस वक्त ध्यान आया कि अरे सिर्फ घर के लोग नहीं, तो इतना बड़ा हॉल था, बहुत पंडित लोग हैं, ऑफकोर्स मैं उनके आशीर्वाद लेके ही बैठी थी, लेकिन सब गा रही थी मैं दादी और पिताजी को देखकर। बिल्कुल प्रेशर नहीं था, लेकिन जो कुछ कुछ गाना है सिंसरिटी के साथ गाना है, अच्छी तरह से गाना है। और फिर मुझे दिमाग में आया कि इतने बड़े बड़े लोग पुणे के जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो सामने बैठे थे, और उनके जो आशीर्वाद मिले मुझे इस प्रोग्राम के ज़रिए वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी संगीतमय यात्रा में, क्योंकि इतने कम उम्र में आपको लोग बताते हैं कि अरे नहीं अच्छा गाया तुमने, इसी राह पे चलते रहो बेटा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में। और इसी प्रोग्राम की वजह से मुझे वीणाताई की शिष्या बनने का भी मौका मिला, तो बहुत नसीब वाली समझती हूँ मैं खुद को। बाबुल मोरा तो बहुत सारे लोग गाते ही हैं, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है वो आज आपके लिए गा रही हूँ, शोभाताई गुरुजी जी की बहुत सुंदर रचना है संत कमाली की, जो संत कबीर की बेटी मानी जाती है। भैरवी की रचना। सैया निकैसे गए मैं नाली तेरा, सैया निकैसे गए मैं नाली तेरा, जी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि वीणा जी जैसी गुरु मुझे मिली, और उनके बारे में क्या बताऊँ, मुझे लगता है शब्द काफ़ी नहीं उसके लिए। इतनी महान गुरु, इतनी महान व्यक्ति, और कितनी बड़ी गायकी थी उनकी, जितना कुछ मैं मेरे हिसाब से ले सकती थी मैंने प्रयत्न किया, और ख़ास तौर पे ग्वालियर गायकी, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे किराना गायकी सिखाई थी, लेकिन वीणाताई के यहाँ मुझे तानों के विविध प्रकार, फिर जो आक्रामक राग है
जो अलग किस्म के राग हैं वो उनसे सीखा। और जैसे आलापचारी में भी एक जैसे अभिजातता होनी चाहिए, जैसे उसमें भाव भी हो लेकिन उसमें ख़ानदानी तरीके का भी कुछ गान हो, ये मैंने वीणाताई से सीखा। तराने की बात है तो तराने में उनकी पीएचडी थी, तो वीणाताई से बहुत ऐसे कुछ तराने मैंने सीखे। महफिल कैसे आप उसको रंजक बनाएं, कैसे आप लोगों तक पहुंचे अच्छी तरह से, और आपकी गायकी आपका मन उसमें होना कैसे चाहिए, वो मैंने वीणा जी से सीखा। और सबसे बड़ी बात, क्या नहीं करना चाहिए, जो आपको पसंद नहीं है लेकिन लोगों को सिर्फ पसंद है इसलिए आप गाते रहते, तो ये डिसिप्लिन में नहीं था उनके। और ये मैं भी फॉलो करती हूँ कि जो आपको एथिकली अच्छा लगे, जो आपके मन को सही लगे वही करना है। जैसे फ्यूजन की बात है, मैं तो बिल्कुल फ्यूजन नहीं करती क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार का फ्यूजन आजकल लोगों को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर फ्यूजन करना ही है, आपको कुछ नयापन करना ही है, तो आप खुद की बंदिश कीजिए। और उसमें अगर आप सिंथेसाइजर के साथ बैठे हो, गिटार के साथ बैठे हो, तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बियॉन्ड वर्ल्ड प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैंने फ्यूजन नहीं किया है, लेकिन जो भी बंदिशें हैं मेरी तो अच्छी तरह से वो हारमोनी बेस्ड है, राग बेस्ड भी है, हारमोनी बेस्ड भी है, जो पाश्चात्य वाद्यों के साथ आती है। तो ऐसे प्रयोग करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो टिपिकल फ्यूजन है आज का, जो पुराने बंदिशों को लेकर उसको तोड़ डालते हैं, उसकी बहुत विटंबना होती है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये एथिक्स मैंने वीणा जी से सीखे हैं। एक उपी शास्त्रीय दादरा है जो मेरी रचना है। मन में बसी है श्याम सुरतिया, मन में बसी है श्याम सुरतिया, नील गगन जैसी मूरतिया मन में बसी है, हो मन में बसी है श्याम सुरतिया, मन में बसी ऋतु सावन परत पुहार रे, ऋतु सावन परत पुहार रे, ऋतु सावन परत पुहार, संग साजन आई बहार, संग साजन आई बहार, ऋतु सावन परत पुहार रे, ऋतु सावन परत पुहार। एक सावनी है जो मेरे पिताजी की रचना है, मेरी स्वरचित बंदिश है राग मारू बिहार की। सागम पागम गम पनी सा गम पदम पम साप म पदम पगम सारे सद पनी सा गम सा निमा नि सा गम प गम पनी जाओ सजना मैं नहीं बोलूं, जाओ सजना मैं नहीं बोलूं, भैया तू मोरी छोड़ छोड़
मैं नहीं बोलूं जाओ सजना, मैं नहीं बोलूं भैया तू मोर छोड़ छोड़ जाओ सजना, आ जाओ सजना, आ बैक सिंगिंग तो बिल्कुल अलग फील्ड है और मेरा फील्ड तो बिल्कुल क्लासिकल संगीत है, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत। तो मुझे लगता है कि हर एक कलाकार को अपना दायरा समझ के उस दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ करना चाहते एक ही ज़िंदगी में, एक ही जन्म में, तो किसी भी फील्ड पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर मेरी बात करूं तो चलते चलते मुझे जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली फिल्म संगीत की, तो जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि मेरे गाने से उसका कुछ नाता है, ताल्लुक़ है, तो उसी को मैं एक्सेप्ट करते गई, वही ऑफर्स मैंने एक्सेप्ट किए और उसी में मैंने गाया और उसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला, जो एक ठुमरी थी जो मैंने एक फ़िल्म के लिए गाई। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक का स्वभाव होता है, एक मानसिकता होती है आपकी, एक बैठक होती है, जो मेरी शास्त्रीय संगीत की है, उपशास्त्रीय संगीत की है, उसमें ऑफ कोर्स भक्ति संगीत भी है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फिल्म संगीत की। लेकिन करियर वाइज अगर मैंने चुना है तो वो शास्त्रीय संगीत को ही चुना है, इसलिए मेरी महफिलों में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और भजन ये आपको सुनाई देंगे, लेकिन फिल्म संगीत नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो अलग एक फील्ड है, उसके लिए अलग सोच है, उसके लिए वॉइस प्रोडक्शन भी डिफरेंट होना चाहिए। और मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे गुरुओं ने भी मुझे ऐसा नहीं बड़ा किया है कि आप सब कुछ करो, यू नो, डू एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। आप जानो आपका आत्मा कहाँ है, आप कहाँ खो जाते हो बिल्कुल। तो वैसे भी मैं लता जी, आशा जी, रफ़ी जी, किशोरदा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो गाने ज़रूर मैं घर पे गुनगुनाती हूँ, उसका अभ्यास भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फील्ड्स इतने डिफरेंट होके भी एक दूसरे से मिले हैं, हमें फिल्म संगीत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उसका एस्थेटिक सेंस जो है वो मैं अपने शास्त्रीय संगीत में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे लगता है स्वर जैसे शाश्वत है, तो वो स्वर अगर बहुत सुरीला, बहुत सुंदर है, तो किसी भी गान प्रकार में आपके दिल को छू के ही जाएगा। लेकिन अगर करियर की बात करें तो मैं सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय संगीत गायिका ही हूँ, और चलते चलते जो थोड़े बहुत अगर वो म्यूज़िक डायरेक्टर को लगता है कि ये इनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा, तो हाँ मैं हूँ। जी, पुरस्कार तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, नो डाउट अबाउट इट। और मैं ख़ुद को पुनः बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि हर पड़ाव पे, मेरी साधना के हर पड़ाव पे मुझे पुरस्कार प्राप्त हुए, चाहे वो पंडित जसराज गौरव पुरस्कार हो, या माणिक वर्मा मेमोरियल अवार्ड हो, या विश्व संगीत रत्न हो, और ख़ास करके संगीत नाटक अकेडमी का उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार, तो बहुत बहुत ये मेरी गुरुजनों की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है कि मुझे इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शाबाशी के लिए बहुत अच्छा है, ये अपने आप में एक स्फूर्ति देने वाली चीज़ है कि अच्छा ये पुरस्कार मिला है तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो इससे आगे बढ़ने की एक निश्चित स्वरूप से आपको दिशा मिल जाती है। लेकिन पुरस्कार मिले
उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और फिर आगे चलते रहना चाहिए, मेरी मानसिकता है। ऐसा नहीं कि ये मिल गया बस अभी हो गया है, तो ये नहीं, उल्टा मुझे लगता है कि पुरस्कार से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, सही दिशा पे जा रहे हो, इसका एक यू नो इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और आपकी जो संगीत साधना है वो चलती ही रहनी चाहिए और पुरस्कार मिलने हैं तो मिलते जाएंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद ये सबसे अहम बात है। सांवरिया हो सांवरिया, तेरे बिना लगना मोरा जिया, सांवरिया तेरे बिना लगना मोरा जिया, सांवरिया। ये मैंने खुद बनाई है और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ पियानो और गिटार पर है, इसके पीछे तानपुरा नहीं है, तबला नहीं है, लेकिन ये सुंदर पियानो और गिटार से सजी हुई रचना है।